एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम मेरे SBI PO का और IDBI PO के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे और बेसिकली इसमें मैं आपको थोड़ी बहुत जिनका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है उनके लिए थोड़े बहुत टिप्स और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो भी बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे SBI PO के एक्सपीरियंस के बारे में एंड व्हाट द क्वेश्चंस दे आस्क्ड एंड हाउ आई रिएक्टेड एंड व्हाट यू शुड डू एंड हाउ टू हैंडल अ सिचुएशन लाइक दैट्स is what we're going to discuss in this video. So first of all, as I entered in the room, there were five people. One was the chairman, one was lady sitting just beside me, and three other male teachers or interviewers. So basically, as I entered, I say, "May I come in, sir?" And then they gestured yes, and then I wished them all, and then they said me to have a seat, and then I sat. उसके बाद I was just waiting for the question and the chairman started asking questions. उन्होंने देखा पहले मेरा पूरा फाइल चेक किया, उसमें उन्होंने देखा कि मेरा ग्रेजुएशन 2014 में हुआ था। The first question was why this much gap. So I told them कि sir I was preparing for UPSC and that's why this gap. So he just got like very angry. I don't know. Maybe he was just pretending. But हाँ उसके बाद वो एकदम ऐसे गुस्सा हो गए कि UPSC में I said yes sir. Then he said कि तो यहाँ पे क्या बस मुँह उठा के आ गए हो, बैंकिंग का पढ़ा भी है या ऐसे ही आ गए? मैंने कहा नो सर, पढ़ के आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आई हैव स्टडीड। तो कि आज कहाँ से पढ़ा है? मैंने कहा सर जो भी मुझे मिला वट एवर आई कैन गेट सब मैं पढ़ के आई हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है तो पूछ ले कुछ भी क्वेश्चन, आप बताओगे सब? मैंने कहा यस सर। देन ही आस्क्ड मी 10 to 15 क्वेश्चन रिलेटेड टू बैंकिंग अफेयर का न्यूज़ जो भी चल रहा था उस टाइम पे वो सब। आई आंसर्ड ऑलमोस्ट 12-13 क्वेश्चन। वन और टू आई वॉज नॉट श्योर सो आई सेड सॉरी सर आई डोंट नो। तो उस क्वेश्चन में उन्होंने फर्स्ट तो दे आस्क्ड मी द ट्रिक क्वेश्चन। उन्होंने पूछा मर्जर के बारे में पता है आपको? मैंने कहा यस सर। तो बताओ IDBI का मर्जर किसके साथ हुआ था? बेसिकली IDBI का मर्जर नहीं हुआ है, LIC ने IDBI को एक्वायर किया है। सो व्हेन आई सेड दिस कि नहीं सर उसका मर्जर नहीं हुआ है, उसको एक्वायर किया है LIC ने। सो इन दिस दे सी योर कॉन्फिडेंस कि उसको मैंने मर्जर बोला तभी भी वो बोल रही है कि मर्जर नहीं था एक्विजिशन था। तो हम ये छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं ये सब चीज़ें। एंड देन वन सर वॉज देयर, ही सेड वेरी गुड वेरी नाइस। तो आई गॉट लाइक लिटिल मोटिवेटेड। उसके बाद उन्होंने मुझसे जो जो बैंक के क्वेश्चन पूछे मैंने सब बताए, बस एक मेरा मिस हुआ था। उस दिन न्यूज़ में था कुछ कॉरपोरेटिव बैंक करके, कॉरपोरेटिव बैंक ऑफ महाराष्ट्र समथिंग। उन्होंने पूछा कि उस पर RBI ने क्यों चार्जेस लगाए हैं या क्यों उस पर अभी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो रीज़न आई डिडंट नो। उन्होंने पहले पूछा था क्यों न्यूज़ में था, वो मुझे पता था वो मैंने बता दिया था। रीज़न मुझे पता नहीं था तो वो मैंने नहीं बता पाया। तो उसमें आपको बेसिकली उस दिन का न्यूज़पेपर पक्का से पढ़ के जाना होता है, डोंट मिस आउट ऑन दैट, उसका गलत इंप्रेशन जाएगा। मैं सुबह 4 बजे निकली थी घर से तो मैं सो गई थी रास्ते में, मैंने पढ़ा नहीं था और वहाँ पे भी सिर्फ हेडलाइंस पढ़ पाई थी तो इसलिए मुझे रीज़न नहीं पता था। तो ये आप पक्का पढ़ के जाना उस दिन का न्यूज़पेपर, उससे एक हफ्ता पहले का न्यूज़पेपर, डोंट मिस आउट ऑन दैट, वो पक्का से करना। उसके बाद उन्होंने 15-20 क्वेश्चन बैंकिंग के पूछे। उनके बाद दे पास्ड टू द नेक्स्ट सर हु वाज सिटिंग देयर। उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, तो मैंने वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद दे वर हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, नो नॉट द चेयरमैन, चेयरमैन वॉज ऑन द सेम सिचुएशन जैसा उन्होंने फर्स्ट टाइम में गुस्से वाला फेस बना लिया था वैसे ही थे बाकी, बट अदर टीचर वॉज हैप्पी। एंड देन ही आस्क्ड मी अबाउट माई मार्क्स इन ग्रेजुएशन। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट टीचर ने मुझसे पूछा अबाउट योनो, बिकॉज जब वो वाले चेयरमैन सर मुझसे बैंकिंग के क्वेश्चन पूछ रहे थे तो आई गेव एग्जाम्पल ऑफ योनो इन सम क्वेश्चन ऑफ नेट बैंकिंग और समथिंग। सो ही सेड यू सेड योनो सो व्हाट डू यू नो अबाउट योनो, उसमें कौन कौन सा लोन मिलता है, ये वाला लोन है कोई, इसके बारे में पता है क्या, इसकी क्या कंडीशन होती है? तो ये सब पूछा। योनो मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी बिकॉज आई वॉज कंप्यूटर स्टूडेंट तो मुझसे योनो पूछना बनता है तो इसीलिए मैंने वो सब प्रिपेयर किया था ऑलरेडी। तो आई आंसर्ड इट रियली नाइसली। उसके बाद फिर एक जो मैम बैठी थी मेरे साइड में उन्होंने मुझसे पूछे पर्सनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ही शी आस्क्ड मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आस्था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था एंड आई सेड कि थैंक गॉड इजी क्वेश्चन भी आया कुछ। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कॉलेज कहाँ से था, उसमें कोई स्पोर्ट्स था, स्पोर्ट्स की कोई पर्सनालिटी थी फेमस, उसके बारे में पूछा। वो मुझे नहीं याद आ रहा था तो मैंने बोल दिया सॉरी मैम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। उसके बाद उन्होंने एक दो क्वेश्चन और पूछे रिलेटेड टू माय पर्सनल बायोडाटा जो मैंने दिया था, हॉबीज़ के बारे में और ये सब, तो वो मैंने उनको अच्छे से बता दिया। द लास्ट सर उन्होंने ही ट्रिक्ड मी बेसिकली। उन्होंने पूछा कि आपने लिखा है आप रिक्रिएशनल सेक्रेटरी थी कॉलेज में, तो आपने क्या कराया उस पोस्ट के अंदर। तो आई वॉज हैप्पी कि चलो अभी कुछ किया है जो असली में पूछ रहे हैं। तो मैंने बहुत सारा उनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, सर ये इवेंट करवाया, यहाँ करवाया, वो करवाया। आई गॉट एक्साइटेड एंड मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। एंड फिर उन्होंने ना सब हंसने लगे एकदम से एंड दे सेड अच्छा आपको इतना ही अच्छा अगर इवेंट मैनेजमेंट आता है देन व्हाई डोंट यू गो इन दिस दैट सेक्टर ओनली, तो यही करवाओ ना, वैसे भी आजकल शादी वादी करवाने में बहुत पैसा है, सो गो फॉर दैट, यहाँ क्यों आए हो, तो वही सब कराओ। एंड आई वॉज लाइक स्पीचलेस, मेरे पास कोई आंसर नहीं था उस टाइम पे, दिमाग में नहीं आ रहा था। और ऑल्दो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो मुझे बोलना है कि वहाँ पे स्टडी ग्रोथ नहीं है ये सब, पर उस टाइम मुझे क्लिक नहीं किया 2 मिनट के लिए। सो आई सेड थोड़ा टाइम कैच करने के लिए आई सेड कि सर that is not my goal and I that is just my hobby and I would like to do it in my spare time. So sir said कि hobbies और interest ही तो आपके लाइफ का गोल बनते हैं। And then till then I remembered my answer, so I said him कि sir that is not my life goal, I have different kind of goals and सिर्फ दैट करियर इज़ नॉट कंसिस्टेंट, उसमें आज तो फेस्टिव सीजन है या आज तो शादी वाला सीज़न है तो आई हैव वर्क, अदरवाइज आई डोंट हैव वर्क। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड हिम एंड ही seems happy and he said thank you and they all were laughing and happy and then they said thank you Asthana, you can go. And then I came out, the person sitting outside my interview was like wow हंसते हुए बाहर आए हो तुम इंटरव्यू से, your selection is done, so medical पे मिलते हैं। And he said तुम्हारा इंटरव्यू went for 20 minutes which was really high, क्योंकि मेरे से पहले वाले बच्चों का 7-8 मिनट मैक्सिमम जा रहा था। तो बेसिकली इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस, पता भी नहीं चला 20 मिनट कब ख़त्म हो गए। तो इसमें अब ये था मेरा क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड माय एक्सपीरियंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर एंड व्हाट आर द टिप्स एंड what you should do before going to an interview if this is your first interview. First of all for girls, please wear proper dressing, ऐसे कुछ भी पहन के मत जाओ यार, फॉर्मल्स हो सकता है तो अवॉइड करो, सूट इज़ बेटर ऑप्शन, कुर्ती ले लो, उसके नीचे तुम पैंट्स ले लो, आजकल पैंट चली हुई है, कुर्ती पैंट प्लाजो कुछ भी लो, पर फॉर्मल्स एकदम फॉर्मल्स अगर आप लोग रेगुलरली पहनते हैं और कैरी करते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज डोंट गो फॉर फॉर्मल्स, सूट ही पहन के जाओ तो अच्छा रहेगा। नीचे अच्छे से बूट्स ले लो, शोर नहीं करने चाहिए, लड़कियां हील्स पहन के आ गई थी एंड वो टक 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 बज के वहाँ तक जाता है, दैट डजंट लुक गुड एट ऑल। तो एटलीस्ट कोई ऐसा शूज़ लेना जिसमें आवाज़ ना आती हो, आपके पैर अच्छे से कवर होते हो। एंड अदर देन दैट सूट का कलर ऐसा एकदम ब्राइट आंखों में लगने वाला नहीं होना चाहिए, सोबर सा कलर लो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। सो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, सो ढंग के अच्छे से टाइम लगा के चूज़ करके लाना अपने कपड़े, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और बाल खुले छोड़ के मत जाना, ढंग से उसको थोड़ा बहुत क्लच, हाफ क्लच ही कर लेना एटलीस्ट। उसके बाद बॉयज़ का सेम वेयर अ टाई, डेफिनेटली वेयर अ टाई, गिव अ गुड इम्प्रेशन। ऐसे लाइट होके मत जाओ यार, इंटरव्यू है थोड़ा, उनको लगना चाहिए ना कि सामने वाला प्रिपेयर होके आया है। सो एक टाई पहन लेना, अच्छा सा वाइट या लाइट कलर का शर्ट एंड पैंट्स, फॉर्मल शूज़, दैट्स इट। बॉयज़ का तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली चीज़ है नहीं। उसके बाद ड्रेस हो गया, उसके बाद डोंट सिट विद, इफ़ दे डोंट आस्क यू स्टैंड देयर अंटिल दे आस्क यू, डोंट सिट ऑन योर ओन। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर वो आपसे कोई नाम वाम पूछें किसी का तो डेफिनेटली उसके आगे मिस्टर डॉक्टर जो भी डिजिग्नेशन है वो लगाएं और पीछे जी लगाएं। दे आस्क यू द नेम ऑफ अ पर्सन ओनली टू नो कि आप कितना रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं किसी से, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर, अब क्या क्या प्रिपेयर करना है उस पर आ जाते हैं। तो बेसिकली प्रिपेयर करंट अफेयर्स पूरा वीक का, एटलीस्ट 2-3 वीक्स बिफोर योर इंटरव्यू, 2 वीक्स डेफिनेटली, और उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद अदर देन करंट अफेयर्स रीड बेसिक बैंकिंग टर्म्स, क्या क्या होता है। बच्चों को फिस्कल डेफिसिट नहीं पता था यार वहाँ जाके, दैट इज़ रियली बैड। फिस्कल डेफिसिट बेसिक टर्म्स तो पता करके जाओ, और उसके बाद अगर आप वर्किंग है तो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, उसमें आप क्या क्या करते हो पूरा डिटेल में अच्छे से पता होना चाहिए, वो पूछते हैं उसके बारे में। उसके बाद अगर आपका गैप है तो गैप क्यों है और उसका अच्छे से जस्टिफिकेशन, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है और ग्रेजुएशन में आपने जो भी किया है, तो उसके बाद आपने बैंकिंग क्यों चूज़ किया है, ये कुछ प्रेफर्ड क्वेश्चन होते हैं जो वो सबसे पूछते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। वाई बैंकिंग सेक्टर, वाई आर यू चूजिंग दिस जॉब, वाई वी शुड टेक यू, आप में ऐसी क्या खास बात है। तो गेट आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस एंड अपना हॉबी जो भी उसमें लिख रहे हो उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। डोंट राइट फुटबॉल और समथिंग लाइक दैट, उसमें वो आपको फंसा मारेंगे। उसमें आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपने कभी सुना भी नहीं होगा, कौन सा प्लेयर है, कौन सी ये वाली टर्म किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो डोंट डू दिस। अगर तुम्हारा सच में ही बहुत पैशन है उस चीज़ के लिए और तुम ऐसे क्वेश्चंस फेस करने के लिए तैयार हो तो ही लिखो ये सब, अदरवाइज मत लिखो। मैंने अपने हॉबीज़ में कुछ नहीं लिखा था, आई जस्ट रॉट की इवेंट मैनेजमेंट इज़ माई हॉबी और माई इंटरेस्ट, क्योंकि कॉलेज में मैंने वो किया था और उस पर कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं। सो चूज़ योर हॉबी एंड इंटरेस्ट ध्यान से, ऐसे कुछ भी नहीं लिख देना है। उसमें वो प्राइजेज़ वगैरह भी पूछते हैं, आपको कॉलेज में कौन कौन से इवेंट्स में प्राइज़ मिले हैं तो वो भी लिखो, लिस्ट बना के जितने मिले हैं सारे अच्छे लिख दो। अगर आपने NCC में काम किया है तो वो भी लिखो। बेसिकली उनको लगना चाहिए कि एक अच्छी पर्सनालिटी है उनके सामने और उनको ले लेना चाहिए, हेल्प होगा इससे बैंक में। ये सब ध्यान रखना है। इसके अलावा आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज लेफ्ट। अपना हॉबीज़ ढंग से प्रिपेयर करके जाओ। जो बेसिकली 10-15 पेट क्वेश्चंस होते हैं उनको तो अच्छे से प्रिपेयर करके लिख के याद करके जाना। उसके अलावा अगर आपका अनकन्वेंशनल चला जाता है तब तो कुछ नहीं कर सकते। अगर इनमें से 2-4 क्वेश्चन भी फंस गए तो उनका आंसर एकदम ऐसा होना चाहिए कि इम्प्रेशन अच्छा, एकदम से एक बार में इम्प्रेशन अच्छा पड़ जाए। That's it, I guess, for interview. Anything else if you want to ask, you can ask in the comment section always. Other than that, I have taken interviews for RRB PO. अभी जो हुए थे तो बहुत सारे बच्चों ने, महाराष्ट्र के, राजस्थान के बहुत सारे बच्चों ने, they contacted me on my Telegram and I used to video call them and take their interviews so that practice हो जाए। ज़रूरी नहीं आप लोग मुझे दो, आप आपस में भी दे सकते हो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, so that वो जो हेजिटेशन होता है इंटरव्यू से पहले वो निकल जाए। So just keep practicing. एक शिवन सर करके भी हैं यूट्यूब पे, वो भी इंटरव्यूज़ लेते हैं फ़ोन कॉल पे, आप उनको भी दे सकते हैं। किसी को भी दो, जस्ट अपनी फ्लुएंसी और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए देते रहो। प्रैक्टिस एज मेनी एज मोक इंटरव्यूज यू कैन बिफोर गोइंग टू योर इंटरव्यू। Thank you for watching this video and I hope to see you in the next video. Please do subscribe to my channel if you have not done it till now, and like and share and subscribe so that I get more and more subscriptions, more and more likes and comments so that I get more motivated. And please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.